हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों यदि आपका बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपको पासबुक अपडेट कराने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से घर बैठे ही अपने पासबुक को देख सकते हैं, साथ ही पासबुक को अपडेट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एम पासबुक ऐप आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर खोल करके सेंट एम पासबुक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, कौन सा लैंग्वेज आप इसे यूज करना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है। यदि आप दूसरा लैंग्वेज चाहते हैं तो दूसरा लैंग्वेज भी यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ से आपको एग्री कर लेना है टर्म एंड कंडीशन को, एग्री पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर यूजर आईडी यानी कि आपका CIF नंबर मांगा जा रहा है और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका CIF नंबर होगा, CIF नंबर आपके पासबुक पर लिखा रहता है, यदि आपके पासबुक पर लिखा हुआ नहीं है तो आप ब्रांच जा करके मालूम कर सकते हैं या फिर कस्टमर केयर को कॉल करके भी अपना CIF नंबर मालूम कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना CIF नंबर फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने CIF नंबर फिलअप कर दिया है। अब है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड है वह नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। चलिए हम मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने CIF नंबर और नीचे हम मोबाइल नंबर फिलअप कर दिए हैं जो कि सेंट्रल बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। अब यहाँ पर देखिए OTP आ चुका है मेरे पास, इस OTP को आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। चलिए हम OTP फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हम मेरे पास जो OTP आया था इसको यहाँ पर फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 4 डिजिट का MPIN यहाँ पर बनाना पड़ेगा जो कि लॉगिन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो आप कोई भी MPIN बना सकते हैं, तो यहाँ पर अपना MPIN बना लीजिए, जैसे कि हम बना लेते हैं। अब नीचे भी आपको कन्फर्म कर देना है, जो आपने टाइप किया था ऊपर सेम टू सेम नीचे भी टाइप कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए आ गया है, जो आपने MPIN अभी बनाया था यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका एम पासबुक रेडी है, यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। और यहाँ पर अकाउंट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आप अपना अकाउंट से संबंधित सारा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में कितना रुपए है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 2 अकाउंट है सेंट्रल बैंक में, तो एक ऊपर में दिख रहा है और एक नीचे में दिख रहा है। तो इस तरह यदि आपका एक से ज़्यादा अकाउंट रहेगा तो आपको इस तरह से नज़र आएगा। आप यहाँ पर सिंक करेंगे, सिंक मतलब होता है कि आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो अमाउंट बैलेंस यहाँ पर शो नहीं करता है वह आपको आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सिंक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको पासबुक का, पासबुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पासबुक से संबंधित सारा डिटेल आ जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, ब्रांच कहाँ पर है, IFSC कोड, इसके बाद नाम, आप किस नाम से अकाउंट है, एड्रेस क्या है, सारा कुछ यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है आपको पासबुक पर, यहाँ पर पासबुक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पासबुक आपका नजर आएगा, यानी कि आपका पासबुक में जितना रुपये आपके अकाउंट में जितना रुपये बैलेंस होगा और इसमें विड्रॉल आप यदि करके रखें, हम कोई विड्रॉल किए होंगे तो यहाँ पे शो करेगा, डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे डिपॉजिट के सामने में नज़र आएगा जितना रुपये जमा किया यहाँ पे शो करता है। यदि आप इसको, यदि यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ आपका पासबुक तो आप यहाँ पर सिंक्रोनाइज लिखा हुआ आप इस पर क्लिक करेंगे, सिंक पर। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो भी अपडेट कोई नहीं हुआ है तो यहाँ पर ये अपडेट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही अपडेट होगा यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर पासबुक अपना यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, शेयर करके आप अपना अकाउंट का संबंधित शेयर कर सकते हैं किसी को भी। व्हाट्सएप पे शेयर पे क्लिक करेंगे तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चेंज अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, यदि आपका एक से ज़्यादा अकाउंट है सेंट्रल बैंक में तो आप चेंज अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से
आप अपना अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि दूसरा पासबुक देखना चाहते हैं दूसरे अकाउंट का, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना दूसरा अकाउंट का पासबुक भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है पर्सनल लीडर का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने मन से सेट कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन में आप कितना खर्च किए हैं, हिसाब किताब रखना चाहते हैं, फूड में कितना खर्च किया है, सारा कुछ यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको हम बताते हैं, जैसे एजुकेशन यहाँ पर दिया गया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिलहाल क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कोई शो नहीं कर रहा, 0-0 कर रहा है, आप यहाँ पर अपने मन से सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए यहाँ पर देखिए ऐड ट्रांजेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन डेट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डेट में आप चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट है, कितना रुपए आपने खर्च किया, जैसे कि 20 रुपये हमने खर्च किया, ट्रांजेक्शन किया तो 20 रुपये हमने टाइप कर दिया है। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ से सेव कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 20 रुपये हमने जो टाइप किया था क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ गया है और हम इसको बैक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन में हमने जो 20 रुपया सेट किया था याद रखने के लिए, यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पर बना सकते हैं, आप अपना हिसाब किताब रख सकते हैं, खर्च फूड में कितना खर्च किया, फ्यूल में कितना खर्च किया, तो आप यहाँ पर उसका हिसाब रख सकते हैं। यदि आप इसमें कोई आइटम को ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्रिएट लिखा है, यहाँ पर आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना पर्सनल यहाँ पर लिख लेंगे नाम, जैसे कि हम लिख देते हैं स्कूल, और यहाँ पर ओपनिंग डेट यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद हम बैक चल जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको स्कूल आ चुका होगा, देख सकते हैं स्कूल करके आ गया है ऑप्शन। तो इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने घर का हिसाब किताब रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है सेटिंग, आप सेटिंग पर क्लिक करके आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट पासबुक अकाउंट का यहाँ पर सेट किया हुआ है। यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप यहाँ पर अकाउंट वाइज अपना सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि चूज योर लैंग्वेज है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने मन मुताबिक से दूसरा लैंग्वेज में भी इसको यूज कर पाएंगे। और यहाँ से सेव पर क्लिक करके सेव कर देंगे तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको यूजर प्रोफाइल का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी प्रोफाइल होगा यहाँ पे शो करेगा, यानी कि आपका ब्रांच, यूजर आईडी, सीआईएफ नंबर, और यहाँ पर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारा कुछ यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं पासबुक। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है चेंज एम पिन का, यदि आप एम पिन चेंज करना चाहते हैं तो चेंज एम पिन पर क्लिक करके आप अपना एम पिन को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे में अलर्ट का ऑप्शन मिलता है, अलर्ट पे क्लिक करेंगे, कोई नोटिफिकेशन होगा तो यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर रेफर ए फ्रेंड है, उसके अलावा ऑफर है, और यहाँ पर फीडबैक है, कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से फीडबैक में सजेशन देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर और इसको सेंड कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर फीडबैक भी दे सकते हैं। यदि आप इसे लॉग आउट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस पे क्लिक करके आप इसे लॉग आउट हो सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई सवाल लगता है तो हमें कॉमेंट जरूर कीजिए, साथ ही यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।